तो ये देखो, यहाँ पर तुम अगर बात करोगे, यहाँ पे ये वाला जो प्रॉब्लम है कि स्टोन मास 1 kg, यहाँ पर जो स्टोन है उसका मास 1 kg पहले से दिया हुआ, और 1 kg अगर पहले से दिया हुआ, ये पॉइंट ओ है मास, और स्ट्रिंग की लेंथ इसकी 1 मीटर है। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो ये जो स्ट्रिंग हो जाए, इसमें मैक्सिमम टेंशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम टेंशन, इसके बाद स्ट्रिंग टूट ही जाएगी यार, वो 400 है। तो मैक्सिमम लीनियर स्पीड विद मैक्सिमम लीनियर स्पीड ऑफ स्टोन विच ब्रेकिंग द स्ट्रिंग द होल हॉरिजेंटल प्लेन में, तो मैक्सिमम स्पीड अगर तुम निकालोगे यहाँ से, तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ से कितना आएगा? तो अगर तुम देखोगे मैक्सिमम स्पीड यहाँ से, तो मैक्सिमम स्पीड अगर तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, तो यहाँ से मेरे भाई टेंशन टेंशन किसके बराबर होगा? सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर रेडियस आर। तो ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर लेंथ है। अब जब टेंशन मैक्सिमम होगा तो एम और एल, उस वक्त लीनियर स्पीड भी तो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू 400 पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, और मास दिया हुआ 1 kg, तो मैक्सिमम स्पीड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 400 अंडर रूट। तो 400 अंडर रूट मतलब 20 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।